अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है हमारे चैनल सूफ़ी फिशरी में। तो आज हम आप लोगों को मुकम्मल प्रोसेस बताएंगे डफनिया के बारे में। तो डफनिया कैसे कल्चर करना है, पहले मैं टैंक में दिखा देता हूँ। ये थर्माकोल का टैंक है, ज़रा दिखा दीजिएगा। थर्माकोल का टैंक है, इसमें हमने साइडों पर सीमेंट लगाया हुआ है ताकि पानी जो है लीक ना करें। तो ये हमने टैंक में बताया हुआ है, पॉकेट में भी हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। ये तकरीबन 3 फीट का टैंक है, तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि 1 फीट मिट्टी डाल लेते हैं। एक फीट मिट्टी डाल ली है। ये रेती की तरह जो मिट्टी होती है जो बैठती है, ये जो पानी है ये ऐसा नहीं रहना, ये फुल तकरीबन 2-3 घंटों के बाद ये फुल ट्रांसपेरेंट हो जाना, मिट्टी जो है सारी नीचे बैठ जानी है। फिर हम आप लोगों को बता रहे हैं अभी ये पानी डालना है। ये मैंने वो जो फिश फार्मिंग का जो पानी है, जो टैंक हमारे फार्म का टैंक का जो पानी है वो है, तो वो हम इसमें डाले। थोड़ा ग्रीनिश भी है, ये पुराना भी है थोड़ा पानी। तो डफनिया के लिए तकरीबन 2 फीट से ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, 2 फीट। तो हम एक एक दिन छोड़ के ये प्रोसेस करते हैं। ये अब एक दिन के बाद हम डालने वाले हैं कॉल जो होती है, देख सकते हैं आप कॉल। ये नॉर्मली जो गाय वगैरह को देते हैं, जानवरों को लोग देते हैं पानी में डाल के देते हैं, वही नॉर्मल कॉल है। तो ये हम सारा नहीं डालेंगे, इसका एक ही पीस डालेंगे। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इतना ज़्यादा लेकर आया हूँ, एक ही पीस इतना सा डालेंगे ऐसे। इसको तोड़ तोड़ के डालना होगा, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पानी जो है ना वो बास ना मारने लग पड़े। अगर आप ऐसे जगह पे ये जाड़ियों के दरमियान में अगर आप ऐसा टैंक बनाते हैं तो उसमें मस्कीटो जो होती है वो बड़ी जल्दी से बढ़ जाएगी। तो इसमें डफना भी हो सकती है, मस्कीटो भी हो सकती है। मस्कीटो की भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो भी फ़िश बेबीज़ के लिए, और जो कोई फ़िश है उसको बड़ी पसंद है, वो भी फ़िश फूड है मस्कीटो, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अभी पानी देख लीजिएगा आप लोग, पानी फुल ट्रांसपेरेंट है, यानी जो मिट्टी मैंने डाली हुई थी वो सारी जो है नीचे बैठ गई है। जो एलजी है वो खुद ही भी इसमें बाहर सकती है टाइमिंग पे, लेकिन वो थोड़ा जो है ना उस पर टाइम लगना है। तो जितना मर्ज़ी बंदा खुद ही उठा के, अगर उसको मिल जाती है तो मर्ज़ी बंदा उठा के इसमें डाल लें, फिर वो बड़ी बेहतर होगी, बड़ी जल्दी वो बढ़ेगी फिर। तो इसमें हमने एलजी भी डाली हुई थी, हम लोगों को हमने बताया था कि हम इसमें एलजी भी डालेंगे। तो इसमें कुछ दिन हो गए हैं डफनिया इसमें पैदा हो गई है, बहुत बढ़ गई है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं, कई कई कभी कभी ज़्यादा दिन लग जाते हैं। तो हमने टाइमिंग नोट नहीं किया कितने दिन इसको हो गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये नेट जोड़ा है थोड़ा बड़े सुराखों वाला नेट है, ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा बड़े सुराखों वाला है। दूसरे से भी मैं चेक करा देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, यानी टाइम ज़्यादा लग सकता है, महीना भी लग सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्लीन करके खिला सकते हैं, ये मुकम्मल। तो कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी का सवाल हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है, नंबर भी मैं शो कर देता हूँ व्हाट्सएप, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी फिश को डिसीज़ हो गया तो अर्जेंटली हम आप लोगों को राय देंगे कि इसको फ़िलहाल ये चीज़ खिलाओ या ऐसे कोई ट्रिप करो। तो चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।